नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट गुरु जाना चाहते हैं अपनी फैंस की नज़रों में सटीक मौकों में सटीक एनालिसिस और रोमांचक क्रिकेट खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद पूरे देश भर के क्रिकेट फैंस को सिर्फ एक ही सवाल के जवाब की खोज है, क्या महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं या नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 38 वर्षीय धोनी शारीरिक रूप से क्रिकेट खेलने के योग्य नहीं है, तो आपको ये बता दें कि वो वेस्टइंडीज टूर से छुट्टी आराम करने के लिए नहीं मगर पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ ट्रेन करने के लिए ले रहे हैं। इसके बाद धोनी ने अपने फैंस, बीसीसीआई, हेटर्स, सरकार, बॉलीवुड और लगभग सबके मन में और बड़ी दुविधा पैदा कर दी है। धोनी अगर टीम में बरकरार रहते हैं तो टीम इंडिया थोड़ा सिक्योर फील करेगी उन परिस्थितियों में जब ऋषभ पंत चोटिल हो जाए। इसके अलावा उनके टीम में रहने से युवा ऋषभ पंत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भले सबसे अनुभवी खिलाड़ी टीम का सदस्य ना हो मगर ड्रेसिंग रूम में रह कर भी वो टीम का मनोबल बढ़ा सकता है। आर्मी का रिकॉग्निशन पाना कोई आसान मुकाम नहीं है और ये उनकी उपलब्धि क्रिकेट फील्ड के बाहर उनकी काबिलियत और इरादों को दर्शाता है। अगर धोनी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो आगे आने वाले वर्ल्ड T20 में शायद वो फिर से हिस्सा ले सकते हैं, और अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो शायद माही किसी नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं अपने अंदाज में। जनता की उनमें दिलचस्पी देखकर तो यही लगता है कि वो पॉलिटिक्स में घुसने के लिए एक पक्के और तगड़े उम्मीदवार है, और आर्म्ड फोर्सेस के साथ उनके रिश्ते देश की हालत सुधार सकता है। आर्म्ड फोर्सेस के अलावा धोनी अपने क्रिकेट करियर में बिजनेस के तौर तरीकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनके योगदान से वो आईपीएल का भी एक बहुमूल्य हिस्सा बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि धोनी शायद क्रिकेट से संन्यास ले ले मगर माही वे उसके बाद भी बरकरार रहेगा।